चेत लाएंगे तो ये चैनल्स बाकी रहेंगे, महंगे नहीं, इम्कान नहीं, इमाम तशरीफ लाएंगे इन सबका खात्मा हो जाएगा। पूछा न्यूज चैनल बाकी रहेंगे, मैं देखता था, मैंने कहा मुश्किल लग रहा है, इमाम तशरीफ लाएंगे CNN BBC बाकी रहे, मेरा नहीं ख्याल बाकी छोड़ना, सबको ख़त्म कर देंगे। तो उसने कहा कि फिर आप क्यों देखते हैं? अच्छा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने बात सही कही। हत्ता ये दलील नहीं बन सकती कि मैं इमाम से कहूँ मौला मैं इल्म की खातिर, मालूमात की खातिर वो देखता हूँ जो आपको पसंद हुआ। नहीं, मालूमात देना भी उनका काम है, अगर मैं उनकी खातिर छोड़ दूँ कहीं और से दे देंगे मुझे। उन्होंने कब गुरेज किया? कुछ अरसे के बाद मेरे दिमाग में ये आर्गूमेंट सेटल हो गया, हाँ ये सही है, ये दलाई बिल्कुल सही है कि जो चीज़ इमाम को पसंद नहीं है वो उनके पीछे भी हमें और आपको अंजाम नहीं देनी चाहिए। जब पता है कि वो आने के बाद नहीं छोड़ेंगे तो अभी से क्यों देखें? अब देखिए इसमें और भी नुकसान है, खुदा ना करे कल इमाम तशरीफ लाने के बाद इसको बंद करें और मेरा दिल कहे कि ये इमाम ने क्यों कर दिया। अल्लाह, अल्लाह ने कहा था कि जब नबी किसी बात पे फैसला करें तो तुम्हारे दिल में भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरे और आपके घर वालों को और मुझे और आपको स्टार प्लस देखने की आदत हुई और मौला ने बंद करवा दिया, खुदा ना करे दिल में इतना ही आया कि मौला इतनी जल्दी क्यों बंद करवा दिया, क्यों? मुहिब होने के नाते हमें कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि मैं ये कहूँ मौला आपको पसंद नहीं है ना, बस मामला खत्म हो गया, अब नहीं देखो। आप नहीं कर सकते, कब करेंगे फिर? अब मैं इससे ज्यादा और क्या करूँ आपके साथ? देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा काम भी कर सकता हूँ आपके सामने, बिल्कुल खोल खोल के ये बता दूं आपके इमाम क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे, करना ना करना आपके हाथ में है। और मैं इसीलिए आपकी खिदमत में आज किया कि देखिए आप अपने इमाम की पसंद नापसंद को पहचानते हैं, आप खुद अपने जहन से पूछते चले जाइए कि भाई मेरे इमाम को ये पसंद होगा चैनल? अगर नहीं पसंद, आप मुहिब अहले बैत हैं, आप आशिकान अहले बैत हैं, आप उनकी नुसरत करना चाहते हैं, उनके नाम पर जान देना चाहते हैं और आप अपने वादों में सच्चे हैं, मुझे मालूम है, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? आप सच्चे हैं, बखुदा मैं जानता हूँ आपके दिलों में और हमारे दिलों में ये आरजू है कि उनके नाम पे जान दे। और इस कौम ने बार बार साबित किया कि अगर वाकई उनके नाम पे जान देने की बारी आई पीछे नहीं हटेंगे। ये सच्चे हैं अपने दावों के अंदर, जब सच्चे हैं तो फिर ये क्या है? तवज्जो नहीं गई, तवज्जो नहीं गई, बस ये हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खिदमत में आपकी तवज्जो आ जाए इसके ऊपर, कैसा ही होता है, थोड़ी सी कीमत देनी पड़ेगी आपको। आप 15-20% में बनना चाह रहे थे ना, सारी दुनिया देखे आप मत देखें, सारी दुनिया देखे आप मत देखें। अच्छा आप ये कहेंगे चलो मैं ना देखूं, मैं अपने बच्चों के साथ क्या करूं? वो तो देखेंगे, मैं आपको पहले मरहले में मशवरा दूंगा, आप देखना बंद कर दें चाहे वो देखते हैं, अभी छोड़ दें उनको। अगर आप उनको बंद करने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में आप छोड़ दें, आप छोड़ेंगे कुछ अरसे के बाद इंशाअल्लाह आपके अहले खाना भी छोड़ देंगे, इंशाअल्लाह छोड़ देंगे। जब वो देखेंगे कि भाई आप अकेला कमरे में बैठे हुए हैं और बाकी सब वहां बैठे हुए हैं तो बिलाकत कभी तो शर्म आएगी कि भाई अकेले अलग यहाँ बैठे हुए, छोड़ के आ जाएंगे। माँ बाप ने छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दिमाग में आएगी, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग में आएगी। बस उनको कार्टून देखने देंगे, फर्ज करते हैं उनसे कहते हैं कार्टून देख लो, एडवर्टाइजमेंट आए तो उसको ऑफ कर दो या म्यूट कर दो ताकि म्यूजिक तुम्हारे कानों में ना पड़े। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता सेंस दी जा सकती है। मैं पता है क्या सोचता हूँ, मतलब मैं ये सोचता हूँ जिस बात को मैंने 40 साल में सीखा है मेरा बच्चा 1 मिनट में कैसे सीखेगा? नहीं सीख सकता, मुझे 40 साल लग गए सीखने में यार। बस मेरी उम्र 43 साल है, मैंने अगर 4 साल पहले भी छोड़ा हो तो 39 ईयर्स में छोड़ा है। मेरा बच्चा तो अभी 6 साल का है, उसको मैं कहूँ कि तुम्हारे बाप ने जो 39 साल में होकर सीखा है तुम 6 साल में सीख लो, जल्दी है, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा।
अभी मैं उससे कहूंगा ठीक है बेटा देखो, लेकिन वो चीजें जो बिल्कुल गलत हैं वो मत देखना, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करूंगा तो फिर वो देखना छोड़ देंगे, ठीक है। और पूरी मोहब्बत के साथ ही काम करूंगा, मौला से भी इंतजा करूंगा कि मौला आपने मेरी नुसरत फरमाई है, मुझसे ये छुड़वा दिया, मेरी औलाद की नुसरत कर दें, नुसरत हो जाएगी। बस एक काम जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया वो ये है। एक अगला काम भी अर्ज करूँ, आपकी जहमत को तमाम करूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा काम जिसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दें, कल इसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। आप इसको ज़रूर जहन में रखिएगा जो मैंने आपसे टेलीविज़न की बात कही। दूसरी बात यह कि हर वो ज़बान जिसके ऊपर एक दफ़ा झूठ आ जाए हफ्तों तक दुआ कबूल नहीं होती। ये दो चीज़ें छोड़ दें, बस एक टेलीविज़न छोड़ दें, टेलीविज़न यानी फाशा और म्यूज़िक चाहे कहीं से भी आपको, क्या टेलीविज़न छोड़ दें डीवीडी देख लें, नहीं फिर वक्त तो एक ही है। टेलीविज़न का मेरा मतलब है फाशा और म्यूज़िक, मोबाइल के अंदर से म्यूज़िक ट्यून्स निकालने, ये आपके इरादे को कमज़ोर कर रही है। तयशुदा बात है म्यूज़िक इंसान के अल्लाह की समझ बढ़ने के इरादे को कमज़ोर कर देती है। आपके काम में म्यूज़िक नहीं पढ़नी चाहिए। बस एक तरफ से आप फाशा का मुकाबला कर दीजिए टेलीविज़न के, और दूसरा ज़बान पर झूठ ना आए। बस झूठ और गलत बयानी दोनों शामिल करने। वैसे मैं कहूँ 8 बजे शुरू हुआ, नहीं शायद 8:02 पे शुरू हुआ, 8 क्यों कहूँ, ये गलत बयानी हो जाएगी। सच्चा होना चाहिए इंसान को, सादिक होना चाहिए। सच्चाई का तकाजा ये है कि ना कहूँ कि 8 बजे शुरू हुआ, कहूँ 8 बजे के नज़दीक शुरू हुआ ताकि 2 मिनट उसमें शामिल हो सकेंगे। फिर 8:25 को ना कहूँ 8:00 पे शुरू हुआ, नहीं 25 पे कुछ से बहुत ज़्यादा होता है। सच्चे रहें, 100% सच्चे, ऐसे सच्चे रहें जिसमें लोग एतमाद करें कि हाँ ये जो बोल रहा है वही होगा। अगर हम बहुत सच्चे हुए तो अगला मरहला क्या होगा, खुदा हमारी खातिर हकीकत को बदल देगा कि कहीं मेरे सच्चे बंदे की बात झूठ ना बन जाए, खुदा ये कर देगा, हकीकत बदल देता है कि कहीं इसकी बात झूठ ना हो जाए। जितना खुदा हमारी इज्जत का ख्याल करता है ना, हम इतना ख्याल नहीं करते। खुदा हमारी इज्जत का बहुत ख्याल करता है, खुदा और उसका निज़ाम हमारी इज्जतों को चाहते हैं, हमें जिल्लत में नहीं देखना चाहते। वक्त का इमाम मुझे और आपको गुनाह की जिल्लत में नहीं देखना चाहता, वो हमें इज्जतों में देखना चाहते हैं। आप और मैं अपने हाथों अपनी इज्जत कम ना करें, इज्जत बढ़ाने के वो हमें साहिब इज्जत देखना चाहते हैं। इन्नल इज्जत लिल्लाह व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। साहिब इज्जत मत, आप यकीनन कुर्बानी देंगे, कुछ ना कुछ इमाम के नाम पर तर्क करेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, आप पहचाने जाएंगे। लोग जमीन के ऊपर पहचाने जाने पर फख्र करते हैं कि हम जहां जाते हैं लोग हमें जानते हैं, ये कम है। ऐसे बनो कि आसमान के लोग पहचानना शुरू कर दें, आप जहाँ हेलो आसमान वाले देखेंगे वो वाला ही बंदा है वहां जा रहा। जमीन की पहचानने में क्या है, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान की पहचानने वालों की बका है हमेशा। और आखिरी बात अर्ज करूँ, इस पर दर्ज तमाम करूँ, आयतुल्लाह तबरतबाई साहिब तफसीर अलमीज़ान, अलमीज़ान लिखने वाले, वो एक जुमला काफ़ी जगह पे लिख चुके हैं। वो कहते थे कि अपने शागिर्दों को आवयाम कहते थे आवयाम, हम लोग फना के लिए नहीं बने, हम लोग बका के लिए बने, हम लोग बाकी रहेंगे, हम लोग फानी नहीं हैं। हाँ दुनिया फना के लिए बनी, दुनिया फना हो जाएगी, हम लोग बाकी रहेंगे, इस दुनिया से निकल के एक और दुनिया में चले जाएंगे, उस दुनिया से निकल कर एक और दुनिया में चले जाएंगे। तो बाकी को नहीं चाहिए फानी के लिए अपने आप को ख़राब करें, आप बाकी हैं, आप इस फानी दुनिया के लिए अपने आप को क्यों ख़राब करें, आप और हम बाकी हैं, हमारा रहनुमा बाकी है। जो यहाँ पे हमारा इमाम है वो हर बका के अंदर बार बार हमारा इमाम है, हर जगह हमारा इमाम है। इस फानी की खातिर उस बाकी इमाम से क्यों अपने आप को नाराज करें, मत करें। इंशाअल्लाह खुदा हम और आपको इज्जत देना चाहते हैं, उस इज्जत को हासिल करने की कोशिश करें। दुआ करते हैं परवरदिगार की हुजूर, परवरदिगार तो जो आस्था मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस कलील को हमसे कबूल फरमा, ऐ पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है, तुमने तौफीक दी, तुमने सआदत दी,
جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں